प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल ट्वेंटी सिक्स टेक्सॉनमिक करेक्टर्स इन दिस मॉड्यूल एक्सोनमिक करेक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो विल डिफाइन करैक्टर करेक्टर क्या होता है करेक्टर इज बेसिकली एन एट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफ्रेंशिएट वन टेक्सॉन फ्रॉम एन अदर टेक्स ऑन इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि करैक्टर एक ऐसा एट्रीब्यूट है ऐसी एक क्वालिटी है किसी ऑर्गेज़म्स की जिसकी मदद से हम एक ग्रुप को एक टैक्सोन को दूसरे टैक्सॉन से सेपरेट कर सकते हैं करेक्टर एक हेरिटेबल ट्रेट है करेक्टर को हम मुख्तलिफ करेक्टर स्टेट्स की फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं करेक्टर स्टेट से क्या मुराद है करेक्टर स्टेट बेसिकली एक वेरिएशन है या एक वेरिएंट है किसी भी करेक्टर का फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेयर्स की बात करें मैमल्स के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं तो हेयर्स एक करेक्टर है अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेयर्स मौजूद हैं कुछ ऑर्गेजम्स के अंदर हेयर्स मौजूद नहीं होते तो ये डिफरेंट करेक्टर स्टेट्स हैं कि हेयर्स प्रेजेंट और हेयर एबसेंट इसी तरीके से कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो बाइनरी स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं जिस तरीके से अभी हमने हेयर्स की एग्जाम्पल पढ़ी कि इसके अंदर हेयर प्रेजेंट या हेयर एबसेंस इसी तरीके से कुछ करेक्टर्स की करेक्टर स्टेट ज्यादा होती हैं उनको हम मल्टीपल स्टेट या मल्टी स्टेट करेक्टर्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लावर्स के अंदर हम बात करें तो अगर एक स्पीशीज के अंदर मुख्तलिफ शेड्स के फ्लावर्स हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं येलो वाइट या पिंक कलर मौजूद हैं तो ये तीन डिफरेंट करेक्टर स्टेट्स हैं इसी तरीके से अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लोटाइड एक करेक्टर है लेकिन एक न्यूक्लोटाइड करेक्टर स्टेट्स के अंदर मौजूद हो सकता है जिस तरीके से एडिनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमिन अब एक जो की करेक्टर है या की करेक्टर्स की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सबसे पहले कि एक जो करेक्टर है ये एक टैक्सोन के तमाम मेंबर्स के अंदर मौजूद होना चाहिए ये एक अच्छे करेक्टर की पहचान है इसी तरीके से एक करेक्टर जो होता है इट इज फेयरली स्टेबल एंड ड्यूरेबल ये एक स्पीशीज के मेंबर्स के अंदर जो है वो कांस्टेंट रहता है ये ड्यूरेबल करेक्टर है इसी तरीके से ये क्वालिटेटिव करेक्टर होता है और इसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट या डायसेक्शन या फिर हिस्टोलॉजिकल पैरामीटर्स या प्रिप्रेशन के बगैर इस करेक्टर को देखा जा सकता हो तो ये की करेक्टर्स की अहम खसूसियात हैं जो कि एक ऑर्गेजम्स के अंदर मौजूद होने चाहिए इन करेक्टर्स की बेस के ऊपर हम बेसिकली एक टेक्सॉन को दूसरे टैक्सॉन से सेपरेट कर पाते हैं टेक्सॉन क्या है टेक्सोन बेसिकली एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि एक जैसी एट्रीब्यूट्स के हामिल होते हैं